हाई कोर्ट ने शहरी सचिव व अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा शहर के मोहल्लों में खुली नालियों में बह रहे सीवर के खिलाफ जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने सचिव शहरी विकास उत्तराखंड सरकार, जिलाधिकारी अल्मोड़ा, उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा, नगर पालिका अल्मोड़ा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सुनवाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ के समक्ष हुई। यहां बता दें कि अल्मोड़ा निवासी अधिवक्ता शेखर लखचोरा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में कहा कि अल्मोड़ा शहर के कई मोहल्लों में सीवर को खुली नाली में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आसपास में रहने वालों व रास्तों से गुजरने वालों को गंदगी से बीमारी का खतरा पैदा हो रहा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी अल्मोड़ा, नगर पालिका अल्मोड़ा, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि को समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 4 अक्टूबर 2018 व 10 जून 2019 को प्रत्यावेदन दिए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त जानकारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, नगर पालिका व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीनता के कारण अनंत याचिकाकर्ता के द्वारा हाई कोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिससे मांग की गई कि नालियों में गंदे पानी व सीवर को खुले में बहने से रोकें हेतु उपाय करने प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए तथा उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दोषी भवन स्वामियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अल्मोड़ा शहर में कई मोहल्लों में खुले नालियों में गंदे पानी और सीवर को जो बहने दिया जा रहा है, उस पर कोई नियंत्रण या रोक नहीं होने के कारण एक जनहित याचिका वहां के अधिवक्ता शेखर लखचोरा के द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और आज माननीय न्यायालय ने उसमें जितने भी प्रतिवादी हैं उनको जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है 4 हफ्ते के भीतर, और उसकी अगली सुनवाई 16 सितंबर को।